पीसी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि इस तरह जो मनीष जी पर आरोप लग रहे थे कि 14 फोन उन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, उनमें से 5 तो ईडी के पास ही हैं। देखिए, ये कुछ दिनों से जो निकल के आ रहा है कि ईडी किस तरह से लोगों को टॉर्चर कर करके दबाव डाल डाल के झूठे बयान ले रही है, ये निकल के आया कि बयान कुछ और हैं। संजय सिंह जी के केस में निकल के आया कि जो बंदा था उसने बयान कुछ और दिया और चार्जशीट में कुछ और लिखा है, और आज निकल के आए हैं कि जो उन्होंने कहा ईडी ने कि मनीष जी ने अपने फ़ोन तोड़ दिए, उनमें से कई फ़ोन तो ईडी की कस्टडी में है। तो ईडी जो है वो बिल्कुल सरासर झूठे सबूत कोर्ट को गुमराह कर रही है, टॉर्चर कर करके झूठे बयान ले रही है। इस पूरे के पूरे मामले के अंदर कुछ भी नहीं है, सारा मामला फैब्रिकेटेड है और झूठे सबूत और झूठी उसके बिना के ऊपर ये किया जा रहा है, ये अच्छी चीज नहीं है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि चार्जशीट में नाम आने के मामले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की शराब नीति पर संजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब अपना बयान जारी करके जांच एजेंसियों के कामकाज के तरीके पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से ये आ रहा है कि ईडी लोगों को टॉर्चर कर दबाव डालकर झूठे बयान ले रही है। संजय सिंह के केस में आया कि बयान कुछ और है और चार्जशीट में कुछ और लिखा है। अनिश सिसोदिया के केस में ईडी ने कहा कि उन्होंने अपने फोन तोड़ लिए, इसके लिए कई फोन तो ईडी की कस्टडी में ही है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह बयान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा दिल्ली शराब नीति मामले में जांच एजेंसियों पर निशाना साधने के तुरंत बाद आया। आम आदमी पार्टी के नेता ने बयान दिया और इसके बाद तुरंत, आपको बता दें कि बयान देने के तुरंत बाद जो है मीडिया के सामने अरविंद केजरीवाल भी कहते नजर आए। उन्होंने यही कहा कि कुछ दिनों से ये आ रहा है कि ईडी लोगों को टॉर्चर कर दबाव डालकर झूठे बयान ले रही है। संजय सिंह के केस में आया कि बयान कुछ और चार्जशीट में कुछ और लिखा है। मनीष सिसोदिया के केस में ईडी ने कहा कि उन्होंने अपने फोन तोड़ दिए, लेकिन उनके कई फोन तो ईडी की कस्टडी में ही है। तो अब देख सकते हैं कि किस तरीके से अब संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल का भी बयान देखने के लिए मिल रहा है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कुछ देर पहले ईडी की जांच को लेकर झूठ का पुलिंदा बताया था। संजय ने उसी बयान के आधार बनाते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि ईडी संजय सिंह के केस में जांच एजेंसियों का बयान कुछ और है और चार्जशीट में कुछ और दिखा है। मनीष सिसोदिया के केस में भी ईडी ने कहा था कि उन्होंने अपने फोन तोड़ दिए, लेकिन उनके कई फोन तो ईडी की कस्टडी में है। संजय सिंह जो है उन्होंने ईडी पर जो है आरोप लगाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, काफी कुछ उन्होंने कहा था, कार्यशैली पर भी निशाना साधा था। ये भी कहा था कि ईडी जांच का झूठ का पुलिंदा है। मामले में बीजेपी नेता बार बार ये बोलते आए हैं कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली लीकर केस में बचने के लिए दर्जनों फोन तोड़ दिए, लेकिन ये सब गलत है। मनीष सिसोदिया ने 14 फोन सिम नहीं किए। बीजेपी नेताओं की नैतिकता बची है तो अपने झूठ के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगे। अब ईडी इस पर जो रिपोर्ट दाखिल की है वो सभी फोन अभी भी जिंदा है, कोई नष्ट नहीं किया गया है। इसमें से 5 फोन खुद ईडी के पास है जो उनके छापे के दौरान जब्त किए गए है। और अब अरविंद केजरीवाल भी, आप देखिए किस तरीके की बयानबाजी अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने भी कह रहे हैं कि ईडी लोगों को टॉर्चर कर दबाव डालकर झूठे बयान दिला रही है। और आपको बता दें कि टॉर्चर करने की जो बात है ये ऑलरेडी जो है बहुत पुरानी बात है, पिछले साल की बात है, नवंबर की बात है, जिसका ये बयान या जिसका जिक्र जो है कर रही है, जिसका संजय सिंह द्वारा भी जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया कि आप देखिए किस तरीके से ईडी टॉर्चर कर रही है, किसी के कान फाड़ दे रही है, तो किसी के जो है इस तरीके से दबाव बनाकर नाम लिखवा रही है। और ये सारे मामले जो है वो मनीष सिसोदिया के केस से काफी पहले के मामले है, कोई मार्च का मामला है तो कोई पिछले साल नवंबर का मामला है, और इन सभी मामले को एक साथ कंबाइन करके कहीं ना कहीं ईडी पर प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और संजय सिंह के बयान के तुरंत बाद जो है अरविंद केजरीवाल का बयान ये चीख चीख के बता रहा है कि अब जांच की आंच संजय सिंह के साथ साथ अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच चुकी है, और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल के अंदर भी बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। बता दें कि इस दौरान चार्जशीट की जो पिक्चर है वो भी सामने आ रही है, वो भी काफी ज्यादा सर्कुलेट की जा रही है, जिसमें ये कहा गया है कि मनीष सिसोदिया ने 5-6 बार जो है वो मुलाकात की थी, उन्होंने केजरीवाल जी से भी एक बार मुलाकात की थी और वो भी उनके आवास पर संजय सिंह के साथ। और ये जो है चार्जशीट में साफ तौर पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, और इसमें जो है सिसोदिया का नाम, अरविंद केजरीवाल का नाम और संजय सिंह का नाम भी देखने के लिए मिल रहा है। तो स्पष्ट तौर पर आपको बता दें कि ईडी द्वारा ये भी कोर्ट में उस वक्त कहा गया था कि ये सब कुछ जो है केजरीवाल के इशारे पर हुआ है, और इसे लेकर अभी लगातार जो है जांच की जा रही है, मामला जो है संज्ञान में लाने का प्रयास किया जा रहा है, इस मामले में सब कुछ जो है तथ्य जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में ये पता चल सके कि किस तरीके से
जो है इस शराब घोटाले को अंजाम दिया गया है और मनीष सिसोदिया के साथ और कौन कौन से बड़े नेता इस मामले में शामिल है। और कहीं ना कहीं तुरंत तुरंत जिस तरीके से बैक टू बैक अब अरविंद केजरीवाल भी इस मामले पर बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कुछ मामले सामने आ रही है, जानते हुए भी कि ये झूठे मामले हैं, ये पुराने मामले हैं, इसे अरविंद केजरीवाल वापस से दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। इससे बात पता चल रही है कि अब अरविंद केजरीवाल के अंदर भी डर का माहौल है। जिस तरीके से संजय सिंह को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, अब अरविंद केजरीवाल भी अपने नंबर को लेकर आप कह सकते हैं कि तैयार भी जुट गए हैं, क्योंकि अब उनका नाम भी इस मामले में सामने आ रहा है। बता दें आपको कि जिस तरीके से ईडी इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से ईडी इस मामले में बैक टू बैक खुलासे कर रही है, और कहीं ना कहीं ये भी सवाल जो है किया जा रहा है कि एक तरफ जहां पर मनीष सिसोदिया को ये लगातार बेगुनाह साबित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी कोर्ट से जो है रिहाई नहीं मिल रही है, बेल नहीं मिल रही है, जो कई सारे सवालों को जन्म दे रही है कि आखिर जो है मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या कुछ जो आप कह सकते हैं कि पुख्ता सबूत ईडी के पास है, जिसके वजह से राहत उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो अब इस मामले में कई सारे नाम खुलकर सामने आ रही हैं, कई सारी चीजें सामने आ रही है, और ईडी को लेकर अब अरविंद केजरीवाल भी सामने आ चुके हैं। बता दें कि शुरुआत से ही वो ये कह रहे थे कि ईडी जो है, इससे पहले तो उन्होंने ये भी कहा था कि ईडी फर्जी चार्जशीट बनाती है, किसी के कहने पर, किसी के दबाव पर जो है बनाती है। और अब देखिए कि ईडी को लेकर स्पष्ट तौर पर अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी बयानबाजी की जा रही है, और ये बयानबाजी ठीक इस वक्त आई है जब जो है संजय सिंह ने इसे लेकर कहा है, बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, और ये भी कहा है कि ईडी जो है उनका नाम बदनाम कर रही है, और ईडी को वो धमका भी रहे हैं कि अधिकारियों के खिलाफ मानहानि का मामला जो है वो दर्ज करेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और यही अब दर्द जो है अरविंद केजरीवाल को भी सता रहा है, अरविंद केजरीवाल को भी लग रहा है कि वो समय दूर नहीं जब इस मामले में उनका नाम जो है अब आ चुका है, तो अब गिरफ्तारी के लिए कभी भी पुख्ता सबूत के साथ ईडी उनके दरवाजे पर पहुंच सकती है। और यही कारण है कि अब वो भी इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पोर्ट्रे करने का प्रयास कर रही है कि ईडी जो है गलत कर रही है, या ईडी जो है दबाव बनाकर बयान जो है लोगों से ले रही है, ईडी इसी तरीके का काम जो है कर रही है। वही बता दें आपको कि लोगों की प्रतिक्रिया की बात करें तो लोग भी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाने का डर सता रहा है, और इसी वजह से जो है अरविंद केजरीवाल ईडी के लोगों पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं चोरी की है तो उनका फल भुगतना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि इसी तरीके से रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है, इसी तरीके से जो है लगातार लोग कह रहे हैं कि जो है ये जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इनका डर सामने आ रहा है। अब पता चलेगा कि कौन कौन से लोग इस मामले में जो है इन्वॉल्व है। बता दें आपको कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बड़ा कंफ्यूजन है कि अरविंद केजरीवाल कब सच और कब झूठ बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भी पता है कि अरविंद केजरीवाल पर जब कोई बात आती है, जब कोई आंच आ जाती है, तो अरविंद केजरीवाल झूठ का सहारा बहुत जल्दी ले लेते हैं और अपने हिसाब से कुछ भी कहने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहानियां बनाने लगते हैं, भले उसका तथ्य उनके पास हो या ना हो। अब इस मामले में देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की शराब नीति पर दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत जो है अपना भी बयान जारी करते हैं, और जारी करके ये कहते हैं कि कुछ दिनों से यह आ रहा है कि ईडी लोगों को टॉर्चर कर दबाव डालकर झूठे बयान ले रही है। संजय सिंह के केस में भी यही आया कि बयान कुछ और है और चार्जशीट में कुछ और लिखा है। मनीष सिसोदिया के केस में भी ईडी ने कहा है कि उन्होंने अपने फोन तोड़ दिए हैं, लेकिन उनके कई फोन तो ईडी की कस्टडी में ही है। तो आप देखिए कि किस तरीके से अभी भी सिसोदिया को बेगुनाह बताने की कवायद जो है ये चला रहे हैं, अभी भी इस मामले में अपने आप को पाक साफ बताने का प्रयास कर रहे हैं, अभी भी ये कह रहे हैं कि ईडी दबाव बनाकर इस मामले को अलग एंगल देने का प्रयास कर रहे हैं कि ईडी दबाव बना रही है, ईडी ये कह रही है ईडी के बयान सही नहीं है, ईडी की कस्टडी में सारी चीजें हैं। लेकिन स्पष्ट तौर पर यह जो सवाल जो जनता भी कर रही थी, और यही सवाल जो बीजेपी के द्वारा भी किया जा रहा था कि जब कोई सबूत है ही नहीं तो घबराहट किस बात की है संजय सिंह को, घबराहट किस बात की है अरविंद केजरीवाल को, और क्यों मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट से नहीं मिल पा रही है। तो स्पष्ट तौर पर पुख्ता सबूत जो है ईडी के पास है, और ईडी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का नाम ले रही है, इससे अब इनके अंदर भी गिरफ्तारी का डर इन्हें सताने लगा है, और यही कारण है कि बैक टू बैक बयानबाजी की जा रही है और ईडी पर निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।